भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ हर संबंध खत्म करने की मांग जनता की तरफ से हो रही है। मांग है कि विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को मैनचेस्टर में खेले जाने वाले मुकाबले का भी बायकॉट किया जाए। ऐसे में BCCI जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, जिसको लेकर चर्चा भी हुई COA के साथ, लेकिन कोई ठोस नतीजे पर BCCI नहीं पहुंच सकी है। बहरहाल देखना होगा कि BCCI आगे चल के क्या फैसला लेती है। ऐसे में टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने एक न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए इस मामले पे अपना साफ रुख किया है। शास्त्री से जब पूछा गया कि यदि ICC पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर नहीं करता तो क्या भारत विश्व कप में खेलेगा, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सब कुछ पूरी तरीके से BCCI और भारत सरकार पर निर्भर करता है। क्या हो रहा है उन्हें इस बारे में पूरी और सटीक जानकारी है, वो अंतिम निर्णय लेंगे। हमारे लिए इस बारे में निर्णय लेना बेहद आसान है, हम वही करेंगे जैसा हमें करने के लिए सरकार कहेगी। जब उनसे पूछा गया कि सरकार टीम इंडिया से विश्व कप में नहीं खेलने के लिए कहेगी तो अब क्या करेंगे, तो शास्त्री ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि मामला इतना संवेदनशील है, भारत को विश्व कप में भाग नहीं लेना चाहिए, तो मैं अपनी सरकार के निर्णय के साथ जाऊंगा। बहरहाल देखना होगा कि क्या भारत सरकार इतना बड़ा निर्णय लेती है या नहीं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।